सो गाइज़, आज है हमारे पास सैमसंग गैलेक्सी M14। तो दोस्तों, जितने भी सैमसंग गैलेक्सी M14 के यूज़र्स हैं, उन सभी के लिए आज मैं एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेकर आया हूँ। वही खुशखबरी है कि इसमें हमें एक नया अपडेट देखने को मिल चुका है। वो कोई साधारण सा सिक्योरिटी पैच का अपडेट नहीं है, वो अपडेट है एक बहुत ही बड़ा अपडेट। देखते हैं तो फिर वो कौन सा अपडेट हमें देखने को मिला है। तो फटाफट से हम यहाँ पर जाएंगे सेटिंग्स में। नेट कनेक्ट करना होगा सबसे पहले आपको। सेटिंग्स में जाने के बाद हम यहाँ जाएंगे, सेटिंग्स पर क्लिक करेंगे, नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, फिर जाएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर अपडेट में, और फिर यहाँ पे हम टैप करेंगे डाउनलोड एंड इंस्टॉल पे। जैसे ही यहाँ पे आपका वर्जन चेक हो जाएगा और यहाँ पे आपको एक नया अपडेट देखने को मिल जाएगा, जैसे कि आप देख सकते हैं डाउनलोड पॉज है फिलहाल। और ये जो अपडेट है, ये मैंने एक रिसेंटली एक वीडियो बनाई थी M33 में, सेम अपडेट हमें यहाँ देखने को मिला है। यहाँ पे कुछ 2124 MB, लगभग 2.1 GB का अपडेट हमें देखने को मिला है। इसमें जो सिक्योरिटी पैच है वो 1 नवंबर का रहने वाला सिक्योरिटी पैच चेंज इसमें नहीं होता है। फिर भी एक जरा हम चेक कर लेते हैं कि सिक्योरिटी पैच अभी हमारा कौन सा चल रहा होगा। हम जाएंगे यहाँ पे अबाउट फोन में, जाएंगे यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि एंड्रॉइड सिक्योरिटी पैच 1 नवंबर का ये है, और उसमें हमें 1 नवंबर का ही देखने को मिलने वाला है। तो सिक्योरिटी पैच में कोई भी चेंज नहीं होगा। तो फटाफट से बात करते हैं कि चेंजेस क्या क्या होंगे। ये जो अपडेट है मेनली किस चीज़ का अपडेट है, जिस अपडेट का मैं सभी को इंतजार था, वो है 1UI 6 अपग्रेड का अपडेट है ये। सबसे पहला चेंज क्विक पैनल लेआउट में होगा, और अब जैसे कि आप देख सकते हैं इतने सारे चेंजेस होंगे क्विक पैनल लेआउट में, लॉक स्क्रीन में, होम स्क्रीन में, मल्टीटास्किंग, सैमसंग कीबोर्ड, कंटेंट शेयरिंग, वेदर एंड कैमराज में भी इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, बहुत सारे इंप्रूवमेंट देखने को मिलेंगे, गैलरी में, फोटो एडिटर, स्टूडियो एंड इतने सारे में इसमें इंप्रूवमेंट देखने को मिलने वाले। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पे लिस्ट यहाँ पे खत्म ही नहीं हो रही है, और ये कुछ इस तरीके का हमें अपडेट देखने को मिलेगा। डिजिटल वेलबींग में भी हमें देखने को मिलेगा, जैसे कि अपने डिवाइस का अच्छा कंट्रोल भी रख सकते हैं, और काफ़ी बड़ा अपडेट है ये देखने को हमें मिलता है। साथ साथ में इसमें हमें एंड्रॉइड 14 भी देखने को मिलने वाला है। तो दोस्तों, इस डिवाइस के लिए इतनी जल्दी अपडेट आना जितने कि अभी और कंपनीज में अपडेट नहीं आए हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है। तो फटाफट से अब हम एक काम करते हैं, इसको करते हैं यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक, और जैसे ये डाउनलोड हो जाएगा, इसको डाउनलोड करने के बाद मैं आप सभी के सामने लेकर आऊँगा कि हमें कैसा अपडेट देखने को मिलता है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक, तब तक के लिए स्किप करता हूँ। सो गाइज, हमारा ये सैमसंग गैलेक्सी M14 डिवाइस जो है अपडेट हो चुका है। तो दोस्तों, मेरे को भी अभी एक चीज़ पता चली है कि M14 के साथ साथ जो एक डिवाइस है सैमसंग गैलेक्सी F14, उसमें भी हमको अपडेट ही देखने को मिला है। अगर आपके पास वो डिवाइस है या आप जानते हैं किसी के पास वो डिवाइस है तो उसको बता दें, उसमें भी अपडेट आ चुका है, जरूर उसको भी जरूर चेकआउट कर लेना। मेरे पास तो डिवाइस फिलहाल नहीं है। बात करिए कैसा क्या क्या हमें इसमें चेंजेस देखने को मिले। सबसे पहला चेंजेस तो यही है कि जैसे कि आप देख सकते हैं नोटिफिकेशन पैनल जो है उसका, अगर उस पूरा आप इसको करेंगे स्क्रॉल डाउन, तो इसमें काफ़ी सारे ऐसे चेंजेस करे गए हैं जो कि हमारे यूजेबिलिटी को बहुत अच्छा बनाते हैं। काफ़ी जो मेरे को नोटिफिकेशन पैनल लगा अब की बार थोड़ा सा यूज़र फ्रेंडली ज़्यादा लगा, जैसे कि आप देख सकते हैं कि अब की बार क्लटरी इंटरफेस बिल्कुल भी नहीं है, आपको सारी चीज़ें अलग अलग और काफ़ी ज़्यादा स्पेस दिया गया है। साथ साथ में ये जो दो फीचर मेरे को लगे यहाँ पे, आई कम्फर्ट शीट और डार्क मोड जो है, ये ब्राइटनेस के साथ साथ दिए गए हैं, जो कि स्क्रीन से रिलेटेड फीचर ही है, और उनको ब्राइटनेस भी स्क्रीन से रिलेटेड ही है, तो सबको साथ में रखा गया है, जिससे कि आपको ज़्यादा दिक्कत ना आए इसको ऐसे मतलब कस्टमाइज़ करने में, जो कि मेरे को बहुत अच्छी चीज़ लगी है देखने में, बहुत ही यूज़र फ्रेंडली देखने को मिला है। वाईफाई और ब्लूटूथ की बात करें तो ये बिल्कुल ही आपके डिवाइस में इनसे अलग है, तो इसको ऊपर दिया गया, जिससे जो कि आपके रोज़ाना इस्तेमाल में आते हैं वाईफाई ब्लूटूथ, हमारे रोज़ाना इस्तेमाल में आते हैं, तो हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल फीचर है। साथ साथ में और सारे फीचर्स हमें यहाँ दिए गए हैं, और यहाँ पर डिवाइस कंट्रोल का भी हमें फीचर दिया गया है। और बात करिए तो अब की बार थोड़ा सा एनिमेशन में डिफरेंस भी आया, जैसे कि आप देख सकते हैं कि पहले थोड़ा सा स्क्रोल डाउन करके नीचे आते थे, और अब की बार है एक तरीके से फेड करके नीचे आ रहा है यहाँ पे। तो मेरे को ये चेंजेस में सबसे बड़ा देखने को मिला है। साथ साथ में जो फॉन्ट है, थोड़े से यहाँ तो मैंने तो बड़े साइज कर रखे, लेकिन फॉन्ट में हल्का सा चेंज है। साथ साथ में UI की जो एनिमेशन है वो थोड़ा सा मेरे को अब की बार डिफरेंट देखने को मिला है। डिफरेंट एनिमेशन के साथ साथ जो थोड़ा सा स्मूथनेस का इशू था सैमसंग में, वो मेरे को अब थोड़ा सा ऐसा नहीं लग रहा कि अब स्मूथ नहीं है। 90Hz का डिस्प्ले, मेरे को 90Hz बिल्कुल भी फील नहीं होता, 120 ऐसा ही लगता है। काफ़ी अच्छी एनिमेशन हमें देखने को मिल रही है। बात करिए सेटिंग्स में जाते हैं, एक बार उसके वर्जन चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे हम सेटिंग्स में आ गए हैं, और जो हमें चेंज देखने को मिला है वो ये है कि ऊपर जैसे कि आप देख सकते हैं सेटिंग्स का हल्का सा फॉन्ट चेंज है, और साथ साथ में जो यहाँ पे आइकन्स हैं वो भी हमें चेंज देखने को मिले हैं यहाँ पे सेटिंग्स के। साथ साथ में हम नीचे जाते हैं यहाँ पे और देखते हैं जरा इसके कौन से भी वर्जन चल रहे हैं। तो यहाँ पे सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जाएंगे हम। सॉफ्टवेयर इन्फॉर्मेशन में जैसे कि आप देख सकते हैं 1UI वर्जन, इसमें कोर वर्जन नहीं है, इसमें हमको प्रॉपर पूरा 1UI वर्जन देखने को मिलता है, और साथ साथ में एंड्रॉइड वर्जन 14 इसमें हमें देखने को मिलता है। तो दोस्तों, ये था कुछ इसका अपडेट। दोस्तों, जो जो फीचर्स हमें इसमें देखने को मिलते हैं वही फीचर्स हमें सैमसंग गैलेक्सी M33 और साथ साथ में F14 डिवाइस में भी देखने को मिलता है।
मेरे पास यहाँ पे दो डिवाइस हैं, जैसे कि मैं आपको बता दूँ, सैमसंग गैलेक्सी M14 जैसे कि ये है, और एक M33। मैं दोनों की एक फीचर वीडियो लाने वाला हूँ कि कौन से फीचर हमें किस किस में देखने को मिले हैं, कौन से नहीं देखने को मिले हैं। एक फुल डिटेल वीडियो आने वाली है M14 की भी और M33 की भी। तो अगर आप दोनों में से किसी एक के भी यूज़र हैं तो जरूर आप इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप F14 के भी यूज़र हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि सब में फीचर जो है वो एग्जैक्ट सेम निकलने वाले हैं। आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर लें, जिससे मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँगा आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन आ जाएगा। तो जैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन आएगा आप सबसे पहले अपने मोबाइल की फीचर जान पाएंगे। दोस्तों तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।